मेरे पेज पे आएगी, मेरे पेज पे आएगी। और मेरे पेज पे ठीक आएगी। चलो है, यू कैन ऑल शेयर द इंडिया, लिंक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वालेकुम हमारे साथ सलाम। मौजूद हैं मोहम्मद फैजान साहब, जो के फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं और लाइफ कोच भी हैं इसके साथ साथ। तो फैजान भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ करवाएं हमारी ऑडियंस को कि क्या तजुर्बात रहे, क्या एजुकेशन और फिर क्या प्रोफेशनल लाइफ। जी सर। वालेकुम अस्सलाम उमेर भाई, बहुत शुक्रिया आपका मदद करने के लिए। मैं असल में तो एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मेरा प्राइवेट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में बिजी हूँ, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रेडिट कंट्रोल और फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड मेरा काम होता है मोस्टली। पैशन मेरे जो हैं वो काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, एडवाइजरी, पर्सनल लाइफ एडवाइजरी, कोचिंग, इन एरियाज में ज़्यादा है। अब सही, तो इसका बड़ा प्रोफेशनल नाम हो गया है लाइफ कोचिंग, पहले ज़माने में इसका नाम नहीं होता था ऐसे। तो इन चीज़ों में मेरा सही, वैसे वक्त गुजरता है, कुछ मेरे साइड बिजनेस हैं छोटे से, तो उनको मैं भी वक्त लगाता हूँ। सही, सही, ठीक। अच्छा फैजान भाई, मैं ये चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि जब भी यानी कैरियर की डेवलपमेंट, एक तो कोविड को सामने रखते हुए, हम असल में हमारी ऑडियंस में ना दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो करंटली प्रोफेशनल्स हैं और वो कोविड की वजह से इफेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, हम इस वक्त आदम जी कोचिंग सेंटर के कैंपस है, आयशा मंजिल, उसके पेज से भी लाइव है। सो वहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो आगे अपने कैरियर्स की प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं। तो पहले तो हम एक बात करेंगे कि करंट कोविड की सिचुएशन में जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं वो कैसे अपनी लर्निंग को जारी रखते हुए, या लर्निंग का क्या रोल है, या कंटिन्यूड लर्निंग का क्या रोल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। और फिर हम बात करेंगे उन लोगों की जो अभी एजुकेशन के प्रोसेस में है या अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जी फैजान भाई। मेरा ख्याल है उमेर भाई, ये बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। और लोग बेचारे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, मैं उनको बेचारे इसलिए कहता हूँ बिकॉज समहाउ हमारे जो हालात हैं इकोनॉमिकल, और पर्टिकुलरली इन दिस सिचुएशन, वो किसी की भी दस्तरस, किसी की समझ और किसी की भी जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, उससे बाहर है। तो हम सही, सभी एक तरह से बेचारे हैं, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने करियर में स्टेप इन करने वाले हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोचिंग में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, उन सब के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि सही, उन्होंने जो भी प्लान किया था 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल सही, पहले, और वो जो मिड ड्यूरिंग देयर पाथ हैं, इन देयर मिडवे हैं, वो सब, या स्टार्ट में है, इन दोनों सूरतों में वो तमाम बच्चे बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं इस वक्त। इंतहाई दर्जे की एंगजाइटी ने उनको आ लिया है, उनको दबोच लिया है, और वो बहुत अच्छे एक रूटीन लाइफ से हटकर बिल्कुल कैद हो गए हैं। वैसे ही आपको मालूम है सही, माशाल्लाह, जो यूथ है 15 साल से लेके 22-23 साल तक की, वो बिल्कुल आज़ादी के साल होते हैं उसके। वो उस वक्त चाहता है कि बस मैं, मुझे पर लगे और मैं सही, आसमानों में उड़ूँ, और मैं किसी शहर में ना रुकूँ, किसी मुल्क में ना रुकूँ। सही, वो तो उसको ये सोशल मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये अलाउ करता है कि वो दुनिया भर में जितना भी एक्सेस कर रहा है, इंटरनेट मीडिया, वो सब करे, लेकिन उसको दोस्तों में भी उठना बैठना होता है, उसको खाना पीना भी साथ होता है, उसको टीचर भी पर्सनली इन सही, पर्सन चाहिए, क्लास में चाहिए, उसको माहौल चाहिए। वो सब अचानक से उससे छीन लिया सही, गया है इस कोविड की सिचुएशन में। तो उसको ये, सही, तमाम स्टूडेंट से मेरी ये अपील है कि वो अपने आप को एक बहुत बड़े ग्लोबल पिक्चर का हिस्सा समझें। मैं जो सही, कि लाइफ कोचिंग में इन्वॉल्व हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे बेचारे, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो बेचारे इतने घबराए हुए हैं। हर बच्चा सही, समझ रहा है कि वो अकेला परेशानी में है, हर बच्चा ये सही, समझ रहा है कि ये जो उसका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, जो सुबह से लेकर रात तक वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहा, कॉलेजेस बंद हैं, सही, कोचिंग बंद है, सब कुछ व्हाट्सएप, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चल रहा है, वो अकेला उसका विक्टिम है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हम सब, चाहे कंपनीज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेजेस में हो, या पार्लियामेंट्स में हो, दुनिया में पार्लियामेंट्स के कुछ ऐसे इजलास हुए हैं जो ऑनलाइन जूम पे हो रहे हैं सही, या दूसरे दूसरे पोर्टल्स पे हो रहे हैं, वो लाइव इन पर्सन कोई नहीं जा पा रहा, सबका चैलेंज है। तो जैसे हम सब कोशिश कर रहे हैं इसको कोप करने की, समझने की, वैसे आप भी कोशिश करें। आप लोग इस तरह से लकी हैं कि आप लोगों ने बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मसला अपनी जिंदगी में झेल लिया है, और उसको सही, चैलेंज, इस चैलेंज को ओवरकम करके, डील करके, आप लोगों में वो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी जो हम लोगों में भी नहीं है आज। सही, वो रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगी जो, क्योंकि बहुत कम उम्र में ये चीज़ आपके सामने से गुजरी। अच्छा जी सर, चूंकि हमारा टॉपिक ही कैरियर डेवलपमेंट और लाइफ कोचिंग के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी रोशनी इस पर डालें कि एक माइंडसेट बना हुआ लोगों का, कि या बच्चों का खास तौर पे, कि यार हमने मास्टर्स किया,
या हमने कोई प्रोफेशनल डिग्री की, ICMA किया, सिमा किया, ACA किया, या कोई और क्वालिफिकेशन किसी कंप्यूटर साइंस में कुछ भी, और उसके बाद हमारी हमारा लर्निंग प्रोसेस बस डेट्स एंड, यानी बस MBA कर लिया और अब मैं जॉब में चला गया तो बस अब मुझे कुछ किताब खोल के देखना नहीं है। और भले वो MBA मैंने 90s में किया हो और आज मैं 20 साल बाद मार्केट में या कॉर्पोरेट को लेकर देख रहा हूँ या अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो बताएं कि कंटिन्यू लर्निंग का क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? क्या मुझे जाके यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है या मैं किसी भी तरीके से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकता हूँ? जी सर। जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि ये आपने दुखती रख पे हाथ रखा है तमाम स्टूडेंट्स के, तमाम स्टूडेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे उमेर भाई, और मैं तमाम आपके स्टूडेंट्स को जो है दोस्तों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि गुड न्यूज़ ये है कि आपको जी मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो और हमारी ऑडियंस में स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन प्रोफेशनल्स भी हैं, तो आप प्रोफेशनल्स ओके ओके छोड़े ना, चले जी चले दोनों के लिए बता देता हूँ। एक गुड न्यूज़ ये है कि आपको सारी जिंदगी पढ़ने की जरूरत नहीं, सही, ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, बैड न्यूज़ ये है कि बहरहाल आपको जहां पहुंचना है वहां के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद की जरूरत जरूर है। सही, तो अगर आप समझते हैं कि बगैर पढ़े आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं तो बगैर पढ़े कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल ऐसी बनाई है जिसके रास्ते में पढ़ाई और किताबें ये सब आनी है तो फिर इससे इससे आपको इसके बगैर गुजारा नहीं। मिसाल के तौर पे आपने एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री चुनी है कि मैं एम्प्लॉयमेंट में जाऊंगा और मैं फाइनेंस प्रोफेशनल बनूंगा या मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल बनूंगा, तो आपने क्या विजन बनाया है कि आप अपना काम करेंगे खुद से या कहीं नौकरी करेंगे? अगर आप खुद नौकरी करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको किसी अच्छे इदारे में काम किए बगैर अच्छी क्वालिटी का काम करना आ जाए, मुमकिन नहीं। अच्छी अच्छे इदारों में जाने के लिए बहरहाल आज तक एज ऑफ टुडे, आज है 12 मई है, 12 मई तक मार्केट में मेजॉरिटी कंपनीज मेजॉरिटी एम्प्लॉयर्स अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छी पढ़ाई आपसे मांगेंगे, और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप अच्छे इदारों में अच्छे एम्प्लॉयर्स में अच्छे मैनेजर्स के साथ काम नहीं कर सकते। ये एक चैलेंज है। आप कहें मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं तो आप आज़ाद हैं, अगर आपको इस रास्ते पे जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात कि कब तक पढ़ना है कितना पढ़ना है, इसका एक बहुत छोटा सा उसूल है हमारे उस्ताद ने बताया कि देखें जो भी आप पढ़ाई करते हैं ना, चाहे आप मैट्रिक करें, इंटर करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, PhD करें या आपके प्राइवेट सर्टिफिकेशन करें, हर पढ़ाई का एग्जाम दे देने से आपको वो इल्म आता नहीं है, सही, बल्कि उस इल्म में दाखले की कुंजी आपको मिलती है, सिर्फ चाबी मिलती है। ठीक, सही। यानी एक डोमेन ऑफ नॉलेज है फाइनेंस, एक डोमेन ऑफ नॉलेज है इंजीनियरिंग, एक डोमेन ऑफ नॉलेज है मेडिकल साइंस, एक डोमेन ऑफ नॉलेज है मेटलर्जी। आप किसी भी डोमेन ऑफ नॉलेज में एंटर होंगे तो उसकी जो रिक्वायर्ड आपने पढ़ाई की है, जिस लेवल की भी पढ़ाई की है, उस लेवल की पढ़ाई करने के बाद आप मजीद आगे पढ़ने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। सही। इससे ज्यादा उस सर्टिफिकेट की, उस लेवल की, उस डिग्री की हैसियत या उसकी हकीकत नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया मुझे मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है आप इस ग्रेजुएशन के नतीजे में अब मास्टर्स लेवल की पढ़ाई करने के काबिल हो जाएंगे। सही। आप बस ये समझें, आप ये मत समझें कि मैंने बैचलर्स कर लिया तो मैंने कोई एक कोई दायरा है जिसको मैंने उबूर कर लिया है, मैंने मैंने कोई कोई चोटी है जिसको पार कर ली है पहाड़ की, ऐसा नहीं है। एक बात तो बुनियादी है, दूसरा ये कि आप हमेशा ज़हन में रखें कि नॉलेज के पैसे नहीं मिलते, स्किल के पैसे मिलते हैं। मार्केट आपको पे करती है स्किल के। आप अगर 101 पेज की किताब जबानी याद किए हुए हैं तो आपसे बहुत कम फील्ड ऐसी हैं जो उन पेजेस की मेमोरी से आपसे फ़ायदा उठाएंगी या वो आपको पैसे पे करेंगी। जो मार्केट में, जिस मार्केट में हम लोग, जिस सारा कोचिंग सेंटर वगैरह बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जिस मार्केट में जाना चाहते हैं वहाँ स्किल की कीमत लगती है, नॉलेज की कीमत नहीं लगती। आप मिसाल के तौर पे अकाउंट से मेरा ताल्लुक है, फाइनेंस से ताल्लुक है, अगर आपको मिसाल के तौर पे डबल एंट्री सिस्टम आ गया, आपको ट्रायल बैलेंस मैनेज जो है वो टैली करना आ गया, आपको बैलेंस शीट बनानी आ गई है, तो ठीक है, इट्स अ वेरी फंक्शनल नॉलेज बाय द वे। लेकिन अगर किसी शख्स को ये पता है कि बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं एकेडमिकली, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे मसला हल करना नहीं आता, तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसको हायरिंग नहीं होगी, उसकी हायरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एक शख्स है जिसने बहुत कम पढ़ा है, उसने ग्रेजुएशन किया है या उसने कोई बहुत टॉप हाई फाई सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लेवल पे ये काम करना आता है, तो कम अज कम उतने फंक्शन की तनख्वाह उसको मिल जाएगी, उतने फंक्शन की जॉब उसको मिल जाएगी। तो ये बहुत समझना जरूरी है
एक तो एक पिलर है बाकायदा पढ़ाई का, यानी एक पिलर है पढ़ाई का और एक पिलर है फंक्शनल स्किल्स का। तो आपको दोनों ही पिलर्स के ऊपर जो है वो मेहनत करके अपने आप को ऊंचा करना होता है। अगर आप किसी एक पिलर पे मेहनत करेंगे और बहुत ज्यादा करते चले जाएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं है। बेहतर यह कि दोनों ही लेवल्स को एक साथ बढ़ाएं। तो जैसे आपने फरमाया, सवाल किया कि कितना पढ़ना चाहिए, ये सबसे पहले डिटरमिन करेगा कि आप अपने लिए फ्यूचर चाहते कैसा है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने से मुराद ये कि बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन या एग्जाम्स पास करने की जरूरत नहीं है। किताबें तो आप 1 लाख सही पढ़ें, 2 लाख पढ़ें, आपके सभी फायदे की हैं, सभी से फैज मिलेगा आपको। लेकिन आपको सही बहुत ज्यादा एग्जाम्स पास करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में हैं और उस इंडस्ट्री में जहाँ पे एग्जाम्स की वैल्यू है, तो आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपकी बात में कुछ एक दो बातें ऐड करूंगा, याद आ गई आपकी बातों जी से। जरूर एक बड़े जरूर सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनसे जी मुझे किसी ने उनके बारे में मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि उन्होंने कहा कि हम वो अभी एक हॉस्पिटल को हेड करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जितना मेरा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया उतना हमें पता चलता गया कि हमें बहुत कम पता है। पहले शुरू में हम बेधड़क ऑपरेशंस कर देते थे, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो अब हाथ कब कब आतेंगे ये हम नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह ताला कर रहे। तो वो जितनी नॉलेज बढ़ती जाती है तो उनको पता चलता है कि ये तो बहुत गहराई है। एक ये बात जी आपकी बात से जो मुझे याद आई थी। दूसरा ये था कि ये जो स्किल सेट है मेरे, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाने से ताल्लुक है मेरा तकरीबन 10 साल से, और लोगों की लाइफ कोचिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं और कुछ बिजनेस वगैरह में भी हैं लोग, तो उसमें मैंने ये देखा है कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर कोई मेडिकल साइंस चूज करता है तो उसकी हाउस जॉब है, जो आपने स्किल सेट वाली बात की, वो MBBS करके मार्केट में नहीं जाता, वो स्किल सेट से गुजरता है। इसी तरीके से हमारी अकाउंटेंसी में इंटर्नशिप्स हैं या आर्टिकलशिप्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो बिजनेस साइड वाली एजुकेशन, इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या एक छोटी मोटी कोई इंटर्नशिप हो जाती है। लेकिन जैसे हाउस जॉब है ना, वो एक सर्टेन पीरियड है और अच्छा खासा पीरियड है वो MBBS के बाद। लेकिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या कंप्यूटर साइंस में या इवन हमारे BBA की साइड पे, बिजनेस साइड पे, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो इशू है कि वहाँ जो है ना लोग 6 महीने की इंटर्नशिप या 6 हफ्तों की इंटर्नशिप, इस किस्म की चीज़ें हैं, वो भी सारे बच्चे नहीं करते, तो वो ये स्किल इंजीनियरिंग सेट की कमी को कैसे पूरा करेंगे? के हवाले से खासतौर पर इंजीनियरिंग या BBA, BBA और यानी बिजनेस स्टडीज या इंजीनियरिंग के हवाले से, क्योंकि एक अकाउंटेंट तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है और वो 3.5 साल की आर्टिकलशिप करके निकलता है, तो उसने इतना रगड़ा खा लिया कि उसका स्किल सेट बन जाएगा, भले उसके आखिर के CA के कुछ पेपर्स रुके हुए भी हों, लेकिन वो स्किल सेट उसका डेवलप हो गया, उसको काम आता है। लेकिन यहाँ लेट सपोज मैंने मैंने MBA इन मार्केटिंग किया, तो अब मैं तो कंसल्टिंग कर रहा था और कंसल्टिंग की वजह से मुझे लर्निंग हुई, लेकिन अगर मैं यानी मेरी जॉब या मेरे कंसल्टेंट बनने और मेरी मार्केटिंग की सिर्फ नॉलेज हासिल करने के दरमियान मुझे स्किल सेट बनाने का कोई इंटर्नशिप या ऐसा मौका नहीं मिला जो कि मुझे अकाउंटिंग में मिल जाता, आर्टिकलशिप से या MBBS में मिल जाता, हाउस जॉब से, तो इस एरिया को लोग कैसे जो है ना वो मीट करें? क्योंकि अच्छा ये बहुत स्ट्रगल का पीरियड था, बिकॉज टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मार्केटिंग मुझे बहुत सारी चीज जगहों पे फ्री में काम करना पड़ा एज अ कंसल्टेंट, या इंटर्नशिप्स करनी पड़ी, खुद खुद साख्ता जाकर चीज़ों को लेना पड़ा, और बहुत सारी जगहों पे फ्री में या लो कॉस्ट पे काम करना पड़ा, तब जाके वो समझे कि मार्केट नॉलेज हासिल हुई। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इन फील्ड्स में जहाँ पे एक प्रॉपर आर्टिकलशिप का या इसका मौका नहीं है, तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? जी सर, उमेर भाई, माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ आपके स्टूडेंट्स के लिए जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, कि उनको आप जैसा उस्ताद मैसर है। मैं वाकई बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टली, दिस इज द ओनली वे ऑफ एक्चुअली कोपिंग अप विद द चैलेंज, दिस इज नो अदर वे। भाई सही आप एक ऐसे माशरे में जहाँ पॉपुलेशन इज इन अ बर्स्ट, पॉपुलेशन बर्स्ट में सही है और बेतहाशा कॉम्पिटिशन है, यू कैन नॉट सर्वाइव इफ यू ब्लिंक। आप चाह रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में आके आपका नाम लेके बुला लें कि जी आ जाएं, आपको हम इंटर्नशिप करा रहे हैं 6 हफ्ते की। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल होगा। जो सही जो हमारे ऑडिट फर्म्स हैं, जिनसे भी पूछे हैं, जो उस फील्ड में लोग हैं, वहां भी ऐसा कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है कि अब 15-20 फर्म्स का नाम लिया, तो जमाने में सिर्फ 4 फर्म्स का नाम लोग जानते थे, अभी वहाँ 20 लोगों को जानते हैं। और बिल्कुल इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, उसमें हमारे जो दोस्त वगैरह इस फील्ड के हैं, वो बताते हैं कि भाई दुनिया भर में इन ऑडिट फर्म्स को जो कंसल्टिंग बिजनेस मिलता था, जो इंटरनल ऑडिट का बिजनेस मिलता था, ये सब
ये सभी बैठ गया है, ये सब क्लाइंट्स ने अपने अपनी स्ट्रेटेजी रिविजिट कर ली कि मैम आपसे काम नहीं कराएंगे अभी फिलहाल, इंटरनल ऑडिट आपसे नहीं कराएंगे, हम कंसल्टिंग आपसे नहीं कराएंगे, तो जब इतना सारा काम खत्म होगा तो ऑडिट फर्म्स क्या करेंगे, लोगों को फारिग करेंगे या इनसे छुट्टियां लेंगे, इनको पेड लीव भेजेंगे, तो चैलेंज तो अभी मैनिफोल्ड है। वैसे ही था इकोनॉमिकली कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था और अभी कोविड केस और ज्यादा है। देखिए जो प्रिंसिपल है ना वो आपने माशाल्लाह क्रैक कर लिया, वही अपने स्टूडेंट्स को आप बताइए, मैं भी आपसे फुल्ली एग्री करता हूँ, दैट्स हाउ यू डू इट, कि आप अपने आप को अवेलेबल करें। सही, देखिए नंबर एक सबसे पहली बात, मैं पहले भी कहता था जब मैं लोगों को हायर करता था 2010 में, मैं बिजनेस में था, डेकोरेटिव पेंट सेल करता था, तो मैं लोगों से कहता था मुझे कोई लड़का दो हायर, मतलब मुझे लड़का चाहिए सेल्समैन के लिए। सही। तो और एट द सेम टाइम जो है लोग कहते थे हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं लोगों से पूछता था, बात सुनो भाई मैं नौकरी के लिए लड़के ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम रेफर ही नहीं कर रहे। अच्छा अब वो कहते थे कि मैं लेकिन हमें आउटडोर नहीं चाहिए, हमें इंडोर चाहिए। तो भाई डे वन आपको इंडोर में क्या मिलेगा, आप एसी में बैठे रहेंगे सारे दिन तो आप क्या सीखेंगे, आपको तो बाहर जाना है ना मार्केट में। जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासरूम में एसी में बैठ के पढ़ रहा है उसको एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है कुछ लोगों को आ जाए, बट दैट्स नाउ हाउ इट्स डन। एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है दुनिया में सिलिकॉन वैली का, स्टीव ब्लैंक, उसका तो कोर्स डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि आधे घंटे की क्लास लेता है और बाकी बच्चों को भगा देता है, आप जाएं क्लास से बाहर। सही। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्लासरूम में पढ़ेंगे, जाएं प्लान बनाएं जाके कस्टमर से, वो कहते हैं नो बिजनेस प्लान सर्वाइव्स फर्स्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट, तो आप बाहर जाएं मार्केट में दौड़ें। वैसे ही जो बीबीए का बच्चा है, एमबीए का बच्चा है, उनको चार साल छह साल मिलते हैं, अगर एमबीए तो छह साल, बैचलर चार साल, और या इंजीनियरिंग के बच्चे तो भी चार साल। हम सब बच्चों को, यानी जो भी क्लासरूम में किसी भी डोमेन किसी भी फील्ड का बच्चा हो, चाहे वो मेटलर्जी हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, हर क्लासरूम में बच्चों को पता होता है किस बच्चे की नौकरी का मसला नहीं होगा कभी। सही। क्लासरूम में एक बच्चा ऐसा होता है, मिनिमम एक तो होता ही है, इसके बारे में पूरी क्लास जानती है कि इसको जॉब का कोई मसला नहीं होगा, सारे टीचर जानते हैं इसको जॉब का कोई मसला नहीं होगा, उसमें ऐसी क्या बात होती है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। ये सोचने की बात है, लोग समझते हैं कि ये गिफ्टेड है, वो गिफ्टेड है, गिफ्ट उसका ये है कि वो हार नहीं मानता, वो बैठा नहीं रहता, वो नेटफ्लिक्स पे एक के बाद एक दूसरा सीजन नहीं देख रहा, वो यूट्यूब पे पूरे पूरे ड्रामे सीरीज खत्म नहीं कर रहा, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो कोई भी हो, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, जो मून लाइटिंग करेगा, उसके लिए सामने रिवॉर्ड बैठा वेट कर रहा है। मैं एज एन एम्प्लॉयर लड़के ढूंढता रहता हूँ, मुझे लड़के चाहिए, एम्प्लॉयज या वुड बी शुड बी एम्प्लॉयज वेट करते रहते हैं हमें कोई मैनेजर मिल जाए, तो ये गैप कहाँ है, ये गैप एक्सपेक्टेशन में। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक लड़का जो जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है इस वक्त, अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोचिंग सेंटर में, कम से कम उसके पास एक एसेट है, वो है टाइम, वो टाइम तो दे मुझे। अभी उसके पास इतना स्किल नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास सिर्फ वक्त है, वो वक्त थोड़ा सा इन्वेस्ट करे, दो साल चार साल, रिवॉर्ड छोड़ दे कि मुझे 20,000 मिल रहे हैं, उसको 40 मिल रहे हैं, वो 20,000 पे रोता रहे, ये ना सोचे। उसका काम है अपना वक्त लगाए एक ऐसे बंदे के साथ जो उसको सिखाता हो, जो उसको थकाता हो, जो उसको उसकी लिमिट्स में ना चैलेंज करता हो कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने आप को समझो नहीं कुछ, अभी तुमने कुछ अचीव नहीं किया। एक होता है डिस्करेज करना, एक होता है लिमिट्स को स्ट्रेच करना। ऐसे लोगों के लिए अगर आप अपने आप को अवेलेबल कर देंगे कि सर मैं अवेलेबल हूँ, ले मुझसे काम, क्या काम लेना है, कहाँ जाना है, कुरंगी जाना है, मेरे पास बाइक है, बाइक नहीं है बस है, मैं बाइक कहीं से अरेंज कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 6 महीने में अपनी मर्जी से अच्छी या अपनी पसंद से अच्छी नौकरी कर रहा होगा, जो इतना विलिंग और इतना रेडी बंदा होगा। सही है कि सबको फौरन इतने, आप कोई कह सकता है कि भाई फजान साहब तो इतने आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, मैं तो रगड़ा खा रहा हूँ 3 साल से, मुझे नहीं मिल रहा जो ब्रेक थ्रू चाहिए, तो ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब है। ये जरूर है कि हमने अपनी आंखों से देखा लोगों को स्ट्रगल करते हुए, फिर रिफॉर्म होते हुए और फिर फ्लरिश करते हुए, और उनकी ट्रेजेक्ट्री, उनका ट्रैक पाथ यही होता है कि वो थोड़ा अरसा एफर्ट लगाते हैं और फिर अल्लाह के ऊपर भी कुछ छोड़े ना यार, आपकी सारी क्वेश्चन में अल्लाह का है। सही। अच्छा फैजान भाई, मैं साथ साथ ऐड करता रहता हूँ, क्योंकि आपके तवस्सुत से जो मैं बच्चों के साथ कर रहा होता हूँ वो भी लाइव आ जाएगा, यानी फेसबुक पे ना। जी, तो जी, मैं उनको ये कहता हूँ, देखो तुम्हारी 4 साल की डिग्री है ना, इंटर तुमने कर लिया, तुम मुझसे बस ये वादा कर लो कि तुमने ना लिंक्डइन पर जाना, जो प्रोफेशन सर्च करना, अकाउंटेंट सर्च करना, जाओ लिख दो अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान, तुम्हें सब कंपनीज के अकाउंटेंट्स के नाम आ जाएंगे, इन बंदों को फेसबुक पर सर्च करो, मिल जाएंगे। नहीं मिलते, कंपनी का नाम पता चल गया, बंदे का नाम पता चल गया, यार कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, पीटीसीएल
नंबर निकालो, फोन करो और कहो इस बंदे से बात करनी है। जब आप नाम से पुकारोगे तो 90% कॉल कनेक्ट हो जाती है, वो कनेक्ट कर दे। उस बंदे को बोले यार सर आई एम इन दिस यूनिवर्सिटी एंड आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग। अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो बहुत सारे यानी मेरे नाम के साथ अटैचमेंट लग गई है, बहुत सारे रेफरेंसेज लग चुके हैं, लेकिन ये मैं बात उस वक्त की बता रहा हूँ जब जब देर वर नो रेफरेंसेज। तो CVM के डीन को फ़ोन किया, इरफान हैदर साहब को, कह रहे हैं आ जाओ। वो इरफान हैदर साहब जानते भी नहीं है, और उन्होंने बुला के अपने रूम में, KSBL के जो डीन है करंट डॉक्टर ईशान साहब, उन्होंने घर पर बुला लिया और वो उनसे ताल्लुक बन गया। ठीक है ना, ये मैं आपको डीन्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे कॉर्पोरेट में भी बहुत बहुत आसान इतना चले, मैं ये कहता हूँ प्रोसेस इज दैट कि अगर आपने रोजाना एक कॉल भी की तो यार 365 हैं दिन एक साल में, 300 दिन ही अगर चलो छुट्टियां वुट्टियाँ आगे पीछे करके 250 कॉल भी आप एक साल में मिलाते हो तो एट द एंड ऑफ द योर डिग्री यू हैव 1000 कॉल्स, यानी एक हजार बंदों से तुमने बात की अपने अपनी फील्ड के प्रोफेशनल से। अब आ जाओ 10% रेशियो निकाल लो कि वो तुम्हें टाइम देते हैं, 1000 में से 10% ने टाइम दिया तो तुम 100 बंदे से जाके मिले हो। अच्छा 100 बंदे से तुम जाके मिले, उसका 10% निकाल लो, 10% भी नहीं 5% भी निकाल लो अगर उन्होंने तुम्हें इंटर्नशिप्स दी, तो तुम एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स यू आर विद 1000 लोगों से तुमने अपनी फील्ड में इंटरेक्शन किया, उनको फेसबुक पे लिंक्डइन पे ऐड किया। सेकेंड 100 से तुमने जाके मीटिंग्स की हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स तुमने अटेंड किए, और तुम्हारी CV पे 5 इंटर्नशिप्स हैं। और अगर तुम वही रगड़ा खाने वाले आदमी हो, मेहनती आदमी हो, तो मैं समझता हूँ वो 5 इंटर्नशिप में से ही तुम्हें, अगर तुमने एम्प्लॉयमेंट चूज किया तो जॉब ऑफर आ जाएगी। अच्छा मेरे केस में मुझे एम्प्लॉयमेंट चूज नहीं करनी थी, तो आई डिड द सेम प्रोसेस, लेकिन उतनी स्ट्रक्चर से नहीं किया या उतनी स्पीड से नहीं किया, लेकिन मैंने वो बिजनेस के लिए किया। तो मुझे याद है 2015 के रमजान की बात है कि मैं एक बहुत जबरदस्त कंसल्टिंग फर्म है पाकिस्तान की, तो मैं वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था एंड देट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं सुबह, वो माशाल्लाह सुबह सुबह फजर वाली कंसल्टिंग फर्म है, तो सुबह 6:30 बजे पहुँचना होता था, तो मैं सहरी की और फजर पड़ी और हम उधर हैं। अच्छा शाम में आके फिर ट्यूशंस पढ़ा के अपने फाइनेंसिस कवर करने, शादी शुदा था मैं। अच्छा ये मैं मेरा MBA शादी के बाद शुरू किया मैंने, और वो ये सारी इंटर्नशिप में से अक्सर वो बेचता, वो मेरी शादी के बाद और बच्चा होने के बाद, और ये इस सब में थी। लेकिन बच्चों को जब ये पूरी बात समझाओ ना, तो वो बोलते हैं यार किस प्रोसेस में आप हमें जो है ना वो ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विल वाला मैटर जो है ना, वो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा मैं ज़रा सा लोगों को बता दूँ कि फैजान भाई से मेरा ताल्लुक करीब कैसे हुआ वो बता दूँ, और जो है ना फिर मैं फैजान भाई से ये सवाल क्यों कर रहा हूँ या इनको यहाँ पे क्यों मधु किया है वो भी मैं बता देता हूँ। तो असल में फैजान भाई और मैं, हम दोनों एक साहब से कोचिंग लेते हैं, और वो साहब जो है ना वो हमें बहुत स्ट्रेच करते हैं हद से ज़्यादा। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो फैजान भाई को किसी मामले पे स्ट्रेच कर रहे थे जो कि पर्सनल नहीं था, तो इनका अपॉइंटमेंट एंड था और मेरा अपॉइंटमेंट शुरू था, तो कुछ टाइम हमारा ओवरलैप हो गया, कुछ मैं पहले आ गया था, कुछ इनके, कुछ फिर ये रुक गए थे ज़्यादा। तो उसमें मैंने देखा वो इनको बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेच कर रहे थे एंड आई वॉज इम्प्रेस कि इस एज में भी वो इतनी सारी चीज़ें इनसे छुड़वा के बोले थे दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो फैजान भाई मैं चाहूँगा कि वो इंसिडेंट्स आप खुद हमें एक्सप्लेन करें, एक और सेकंड कोच की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप भी लाइफ कोचिंग कर रहे हैं, और क्या ये जो आजकल एक प्रोफेशन बन गया है प्रोफेशनल लाइफ कोचिंग, तो क्या ये प्रोफेशनल लाइफ कोचिंग के यानी हमें कोई सर्टिफाइड बंदा ही चाहिए जो जिसके जरिए हम जिसको हम अपना कोच बनाएं, या ये माजी में चलता चला आ रहा है एडवाइजरी सर्विसेज, यानी जमाने कदीम से मुस्लिम में तो खास तौर, तो डिटेल डिस्कशन उस पर पहले आप अपना वो वाक्या हमसे शेयर करें एंड देन आप बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इस एज में भी किसी से कोचिंग लेके और लोगों की कोचिंग करके, और फिर मैं भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगा। जी सर जी उमर भाई, बस ये था कि मैं एक पढ़ाई कर रहा था, प्रोफेशनल पढ़ाई थी, अब ग्रेजुएशन तो मैं कर चुका, मास्टर्स कर चुका, डबल मास्टर्स कर लिया मैंने, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लिया, बिजनेस में भी कर लिया, और ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे करता रहा हूँ जो इसे MOOCs कहते हैं, मास्टर्स ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, तो मैं बहुत सारे कोर्सेज करता रहा हूँ, लेकिन एक कोर्स था जिसको मैं पढ़ाई कर जिसकी मैं सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहता था, और नाम बताया तो सिमा उसका नाम है, और मेरे मास्टर्स के बाद मुझे MBA के पास एग्जामिशन मिल गई थी, उसका एक पेपर था जो कि मैं देना चाह रहा था और मसरूफियत की वजह से नहीं दे पा रहा था,
तो मैंने अपने एक छोटे कजन से इंस्पिरेशन ली, मुझसे उम्र कम है, लेकिन उसने अपने एग्जाम्स के लिए एक हॉस्टल कहीं चुना कि भाई एग्जाम, मेरे घर पे जो है ना बहुत मसरूफियत है, उसके घर पे कोई तकलीफ थी, गलबन उसी की शादी थी या क्या था, तो उसने सोचा कि मैं सही एक हॉस्टल में जाके एग्जाम की तैयारी कर लूँगा। तो मेरे जहन में बात थी कोई 6 महीने, 8 साल, 8 महीने पुरानी या साल सही पुरानी, तो मैंने अपने वाले साहब से तذکرہ किया था कि भाई एक तरीका ये है कि मैं जो पढ़ना चाह रहा हूँ ना वो घर पे, सही चूंकि वो माहौल आमतौर पर नहीं होता और हम कोविड की वजह से प्रेशर में तो थे नहीं, कोविड का एक्सपीरियंस नहीं था हम किसी सही को भी, घर में जो बचा सही कुचा वक्त होता था ऑफिस के बाद या वीकेंड्स घर पे से वो काम पढ़ाई के लिए, करने का। पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो बहरहाल मैंने जान तो ये मारी हुई थी कि मैं सुबह उठता था फजर से पहले, मैं ऑफिस के बाद आके दोबारा पढ़ता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही थी और एग्जाम करीब था, कुछ 2 हफ्ते रह गए। तो मैंने जो हमारे कोच थे उन कोच के पास गया, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं समझता हूँ कि मुझे मशवरा दिया वाले साहब, अच्छा मुझे वाले साहब ने कहा कि तुम जो है ना वो तुमने एक जमाने में जिक्र किया था हॉस्टल का, हॉस्टल कहीं अरेंज करो जाके रह लो 5-6 दिन। अच्छा अब ये मुझे समझ में नहीं आई बात कि मैं कैसे हॉस्टल में जाके रह लूँ, मतलब मेरा घर है, बाहर है, बच्चे हैं और मेरा बेटा बेटा है, बेगम है, मैं कैसे चला जाऊँ। लेकिन समहाउ हमारे वाले साहब बहुत प्रैक्टिकल, डायनामिक और प्रैग्मेटिक आदमी है, तो और बहुत ज़बरदस्त लिबर्टी देने वाले आदमी हैं और ट्रस्ट करने वाले आदमी हैं, उन्होंने मुझे जब ये कहा तो मैं फ़ौरन तो ना हाँ का ना सही ना का, लेकिन मैंने उसको प्रोसेस किया, कोच के पास गया, कोच ने कहा कि आपके वाले साहब बहुत समझदार आदमी है, बस करें ढूंढे। तो वहीं के बैठे बैठे मैंने कहा चले मैं ढूंढता हूँ, नहीं वहीं के ढूंढता हूँ क्या मतलब, अभी अभी ढूंढे, तो मैंने वहीं बैठे बैठे ढूंढा, मुझे एयरबीएनबी पे एक जो है वो अपार्टमेंट मिल सही गया एंड आई बुक्ड इट देन एंड देयर। मैंने उनको बताया कि इतने पैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने मुझे सही गाइड किया उस डिसीजन मेकिंग में कि भाई इज दिस वर्थ स्पेंडिंग दिस मच मनी, कि 5-6 दिन के आप अच्छे खासे जो है वो डॉलर दे दें उसको, ये क्या मैं कन्वर्ट करके दे दें, और एग्जाम की फीस वैसे इतनी महंगी, और फिर घर वालों को तैयार करना कि जी कहाँ से कैसे। मैंने कहा चले मैं करता हूँ, तो मैंने जहन बनाया, वाले साहब को बताया, बेगम को बताया, मैंने कहा भाई हो रहा है मैं करने जा रहा हूँ बुक 6 दिन के लिए, मैंने 6 दिन के लिए बुक कर लिया। उसके बाद मैं ऑफिस के सही करीब ही था तो मैं वहाँ स्टे कर गया। पेपर दे के मैंने पेपर देने से 2 दिन पहले मैंने अपने टीचर को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ मशवरा चाहता हूँ, तो वो मुझे अपनी गुडविल में, अपनी गुडनेस में मुझे एडवाइस दे रहे थे। जब वो एडवाइस पूरी दे चुके एग्जाम के वाले से, तो मैंने उनको आखिर में बताया कि सर मैं असल में यहाँ अपार्टमेंट में रुका हुआ हूँ 5 दिनों के लिए, तो वो भी शौक में आ गए जो एक्चुअली प्रोफेशनल टीचर हैं, लेकिन वो भी शौक में आ गए कि आपने ये क्या किया, ये कैसे किया आप। तो मेरा एक और दोस्त है वो भी प्रोफेशनल है, सही बहुत बड़ी 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 कंपनी में, पाकिस्तान की लोग बड़ी कंपनी में ऑडिट में है, मैंने उसको बताया, वो भी हक्का बक्का रह गया कि ये मैंने क्या किया। अच्छा मुझे उस वक्त नहीं लग रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई न्यू दैट इट वॉज समथिंग ऑड फॉर मी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कॉम्प्रीहेंड। तो मैंने बहरहाल वो 5-6 दिन मैंने वहां गुजारे और एग्जाम दिया, अलहमदुल्ला पास हो गया। जो एग्जाम आमतौर पर लोग 6 महीने पढ़ के पास होते हैं, मैंने 1 महीने पढ़ के पास किया और खुद से पढ़ के पास किया विदाउट ट्यूशन। तो ये एक एक इंसिडेंट है जिसमें आप समझ सही सकते हैं कि कोच ने मुझे स्ट्रेच भी दिया, मैंने उनके एडवाइस पे अमल भी किया, वालदेन के एडवाइस पे भी अमल किया और अपने आप को टेस्ट किया और अलहमदुल्ला गॉट थ्रू। आपकी आवाज नहीं आ रही मैं भाई। सही फैजान भाई, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अब लॉस्ट यू, हेलो जी फैजान भाई, जी आप कुछ कहते हैं, आप मैं कह पूछना रहा था ये जो चाहेंगे। आपने एक इंसिडेंस हमें एक वाक्य हमें बताया ना, अब आप मुझे बताएं कि ओवरऑल आप क्या लगता है, क्योंकि आप कोचिंग कर भी रहे हैं और कोचिंग ले भी रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्या हमें जो है ना वो अच्छा एक तो इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा क्या फिर अगर मैंने मान लिया कि ठीक है मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किसी गाइड की या किसी मेंटोर की जरूरत है, तो क्या फिर लाजमी है कि मैं किसी सर्टिफाइड कोच के पास ही जाऊं, या मैं अपने हल्के में ढूंढ सकता हूँ, या मैं इसको पेड वर्जन यानी पेड कोचिंग की तरफ ही जाऊं, या मैं मस्जिद के किसी बंदे से भी सीख सकता हूँ,
या मैं हर फील्ड में एक अलग अलग पर्सन को चूज कर लूं, इससे लेना, इसमें इसमें ये पार्ट इससे सीखना है, ये पार्ट इससे सीखना है, तो दो तीन सवाल मैंने पुट कर दिए एक साथ। जी सर। मेरा ख्याल है दो तीन लेयर्स पे इसका जवाब है। सबसे पहले तो ये कि क्या कोच कोच होता कौन है, कोच करता क्या है। बुनियादी तौर पे कोच या जी कोचिंग सिर्फ एक मकसद के लिए की जाती है, और वो मकसद है प्रोग्रेस। अगर आपको प्रोग्रेस मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आपको ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज़ में सही आ रही, आपको मेरी आवाज अभी ब्रेक हो रही पहले है? आप कंटिन्यू रखें। ठीक। अब सही हो गई, अब तो सही हो गई। जी सर। असल में कोचिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो है प्रोग्रेस। अगर किसी भी इंडिविजुअल या प्रोग्रेस, एंटिटी ठीक है। की कोचिंग में प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो कोचिंग इज इनइफेक्टिव। सिंपल बात है, चाहे पेड हो, चाहे अनपेड हो, चाहे फ्री हो, चाहे ठीक वॉलंटरी है। हो, वट एवर, इफ देर इज नो प्रोग्रेस तो कोचिंग में कोई मसला है। या तो कोच और कोची की रिलेशनशिप में मसला है, कोची के फॉलो थ्रू में मसला है, कोची कोच की बॉन्डिंग में मसला है, या कोच की नॉलेज में मसला है, या अप्रोच में मसला है, कोई भी मसला हो सकता है। तो बहरहाल वो ठीक दैट्स है। नॉट वर्किंग एक्चुअली। तो कोची और कोच चाहे तो रिविजिट कर सकते हैं कि जी सही। क्या हुआ 6 महीने में, 5 महीने में, अभी तक मेरा, मैं जो चाह रहा हूँ वो मेरे मसाइल हल नहीं हो रहे, या मैं जो स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाह रहा था मैं स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पा रहा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोचिंग की जा सकती है। मेरे पास जो आमतौर पे ठीक लोग है। आते हैं वो स्टडीज के वाले फिर से आते हैं, और दैट्स व्हाट प्रोबब्ली यू एसोसिएटेड मी विद दिस सब्जेक्ट। तो स्टडीज कैसे करें यंग माइंड, वैसे तो आमतौर पे जो डिस्ट्रैक्शन का फ्लड है ना हर तरफ से, तो उसमें वो पढ़ना भी चाहते हैं, वही उनको पता है करियर की अहमियत क्या है। तो कोच क्या करता है, कोच मल्टीपल लेयर्स पे काम करता है। एक कोचिंग की टाइप ये है कि वो आपको एडवाइस करेगा कि आपके मसाइल का हल है क्या। उसका तजुर्बा उन सही एरियाज में ऐसा होगा कि वो आपके मसाइल का हल बताएगा। मिसाल तौर पर कुछ लोग मैरिज काउंसलिंग करते सही हैं, है तो अगर वो। कोई शख्स मैरिज कोच पे कोच के पास चला जाए, तो वो मैरिज से रिलेटेड तमाम एक्सपर्टीज अपने पास जो रखी है वो शेयर करेगा कपल से। कोई बंदा एजुकेशन, कोई करियर, कोई बिजनेस, हर हर पर्टिकुलर एरिया की एक्सपर्टीज लोगों के पास डेवलप होती जाती है, इसकी वो कोचिंग कर सकते हैं और दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। तो आपको देखना होता है, किसी भी कोची को या इंडिविजुअल को देखना होता है कि मैं किस कोच के पास जाऊं, मेरा सही। कौन सा मसला कौन सा कोच हल करेगा। वो पहले तो चाहे तो विंडो शॉपिंग कर ले कोचिज की, क्योंकि ये कोच तो बहरहाल जरूरी है, इसमें मैं बाद में आता हूँ इंशाल्लाह। कोच करता क्या, प्रोग्रेस इंश्योर करता है। कोची को कोच के साथ जेलिन होना सही है, ये है बुनियादी जरूरत, रिक्वायरमेंट, प्री रेक है कोचिंग रिलेशनशिप का। सही। अच्छा, अब कोच जो है वो जरूरी है कि नहीं, या पास में क्या होता था। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ पहले जमाने में आप किताबें भी पढ़ें, नावेल भी पढ़ें पुराने, या आप पुराने जमाने की इवन पीटीवी की ड्रामे फिल्में देख लें, उसमें भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि तो अब आसान है ना, किताबों के रेफरेंस दे तो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो आप उनको ड्रामा फिल्मों का भी रेफरेंस दे सकते हैं। कि वक्त की बहुत अहमियत थी लोगों की नज़र में, किसी ने किसी को वक्त दिया तो लोग उसके एहसान में दब जाते थे कि भाई इसने मुझे वक्त दिया, मैं इसके पास 10 मिनट के लिए मिलने गया, इसने मुझे आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, ये मेरे पास चल के आया। लोग इसकी बहुत अहमियत देते थे, बहुत वैल्यू करते थे। कोई टीचर अगर आपको 5 मिनट ऐसे इशारा करके बुला ले और आपको, आपसे कोई बात करे, तो लोग बहुत अहमियत करते थे। और वो एक बात, एक जुमला, एक एक डांट लोगों को सारी जिंदगी याद रहती थी, या कोई एक मशवरा, वो एक लम्हा बिताया हुआ, वो किसी ने किसी मौके पे बात कह दी, वो लोगों को याद रहती थी सारी उम्र, क्योंकि लोग अहमियत देते थे कि काम का एक अहल आदमी अगर वक्त दे दे तो हमारी खुशकिस्मती है। आज के दौर में वो बहरहाल मुझ समेत, मतलब मैं भी उस तरह का नहीं जैसे कि हमारे बड़े थे, तो इसलिए मैं माशरे को तो दोष नहीं दूंगा, मैं खुद भी ऐसे ही कि भाई आजकल मैं वक्त की उस तरह कदर नहीं करता लोगों की। तो मैं किसी की कदर करता हूँ, मैं पैसों की कदर करता हूँ। पैसा अजीज है मुझे, वो मुश्किल से हाथ में आता है, मुश्किल से कमाता हूँ। तो पैसा जब तक चार्ज नहीं करूंगा ना मैं, यानी कि किसी को पे नहीं करूंगा कोचिंग, तब तक उसकी एडवाइस गौर से सुनूंगा नहीं। ये एक मैंने बहुत ही कॉमन चैलेंज देखा, अनलेस कि कोई कोच इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग बना ले अपनी कोची से कि अब उसको पैसे का दुख ना हो, उसको कोच के नाराज होने का दुख हो, या कोच से डांट खाने का डर हो, तो फिर तो एक अलग बात है, जो कि बहुत मुश्किल से बहुत वक्त के साथ जाके डेवलप होता है। लेकिन ये जरूर है कि पेड सर्विस की वैल्यू बहरहाल ये जरूर होती है कि अगर उसने एक मामूली सा भी मशवरा दिया ना आपको कि आपने अगले पूरे 2 हफ्ते जो है ना सुबह 5 बजे उठना है, और आपने ये टू डू लिस्ट इंश्योर करनी है रोजाना के पूरी हो, तो वो करेगा, क्योंकि उसको पता है 2 हफ्ते बाद में जो जाऊंगा सेशन में वो पैसा भी जाया जाएगा, और जो पिछला सेशन लेके आया वो पैसा भी जाया जाएगा। अनफॉर्चुनेट है कि इतना मटेरियली आदमी जज करता है पैसों को या पेमेंट को, लेकिन समहाउ दिस इज हाउ इट इज।
तो सही हमें क्या चाहिए कि कोच को पेड होना चाहिए नहीं चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई फ्री में कोच मैसर आ जाए तो देर इज नथिंग लाइक इट ऑब्वियसली, बट सही आज सच कोचेज कोचेज अवेलेबल फॉर फ्री, आई एम अफ्रेड देयर नॉट द सही चार्ज. ठीक। और मैं ये जो एक सवाल तो ये था पेड और अनपेड वाला, और दूसरा ये था कि उसमें के क्या मुझे जैसे एक तो जैसे आपने बताया कि एक मैरिज काउंसलिंग है, और ये अच्छा इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो एक जनरल प्रोसेस को समझने के लिए जाते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जिनसे कोचिंग ले रहा हूँ, तो अब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में मुझे गाइड नहीं करते, वो और उनके पास जो केसेस आ रहे हैं दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। उनके पास शायद कोई बच्चा भी है और कोई बहुत सीनियर बिजनेसमैन भी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यानी अगर अगर मेरे कुछ खास अहदाफ हैं, जैसे जैसे अगर अगर मैं बात भी कर लूँ, जैसे NLP है या बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कुछ ऐसी साइंसेस अब आई हैं कि दे क्लेम कि भाई अगर अगर कोई बंदा इसको सीख ले या ये काम कर रहा है, एंड देन जो है ना वो कोई भी किसी भी एरिया में अपनी इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो वो उस प्रोसेस को से गो थ्रू होकर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है, या आप इसमें क्या जो है ना वो एडवाइस करते हैं कि एक और सेकंड, मुझे मुझे जाती तौर पे ऐसा थोड़ा सा लगा कि यानी एडवाइजरी तो बहुत सारे होने चाहिए कि अगर सेल्स में मुझे कुछ चाहिए तो सेल्स में कौन मुझे एडवाइस कर सकता है, कैरियर में कौन कर सकता है, लेकिन कोई एक तो हो। जैसे हमारे रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई शेख है, तो अब बहुत सारे उलमा इकराम के बयान सुन ले, लेकिन एक शेख है जिनके आगे अब चलती नहीं है। तो उसमें मैं पूछना चाह रहा था कि क्या हम बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी दे दें, यानी जिंदगी देने से मुराद के अपनी ओबीडियंस दे दें कि भाई मैं इस एरिया में इससे कोचिंग लूंगा, इस एरिया में इससे लूंगा, या कोई एक पर्टिकुलर बंदे को लें और फिर उसके साथ जो है ना वो हम चलें। जी सर थोड़ा मुझ देखिए, आपने बहुत माशाल्लाह जबरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ योर एक्चुअली प्रोवेस इन दिस प्रोफेशन. आप इसके ना उसकी रग को समझते हैं, इसलिए आपने सवाल किया. आधा आधा क्या, पूरा जवाब इसी में मौजूद है. देखिए, जो जो सलूक का रास्ता था ना, उसको कमर्शलाइज कर देने का नाम भी एक तरह से आप कोचिंग कह सकते हो. सही और बात यह भी है कि जो सलूक का रास्ता था वो सिर्फ नफ्स के तस्किए के लिए था. बुनियादी तौर पर ठीक है दुनियावी मामला में वो भी आपको किताबें ही पढ़ने को दिया करते थे, या किसी उस्ताद के पास ही भेजते थे कि भाई आप फलां किताब, आपको फिक पढ़नी है, आपको हदीस पढ़नी है, आपको तिजारत के बारे में कुछ समझना है, तो आप फलां के पास चले जाए, फलां के पास चले जाए, असाजा के पास भेजा करते थे. आज के दौर में भी अच्छा कोच यही करता है. अच्छा कोच मिस्टर आई नो इट ऑल नहीं होता कि सही जी मैं बताऊंगा आपको शादी कैसे बचानी है, मैं बताऊंगा आपको कि नौकरी कैसे बचानी है, या मैं बताऊंगा बिजनेस कैसे करना है, सब मैं बताऊंगा. ये अच्छा कोच की निशानी नहीं है. अच्छा सही कोच क्या कहेगा, यार आई काम करें इस सब्जेक्ट पे ना, आप उससे मिल लें, वक्त ले लें. आप अगर उसकी सही रिसोर्स होगी तो आएंगे, आपको अरेंज भी करा देगा मीटिंग, सही वरना वो आपको उस तरफ रेफर जरूर कर देगा, गाइड कर देगा. देखिए, इन इन स्टेप्स पे चल के आप इसके बारे में या इस सवाल के, इस मसले के हल ढूंढ सकते हैं, आपको गाइड सही करेगा. बुनियादी तौर पर देखिए, कोच वासिफ अली वासिफ मरहूम का एक बहुत जबरदस्त कॉल है, ये सच्चा मुरीद ना, सच्चा पीर सच्चे मुरीद की तलाश में होता है. अल्लाह तो जो अच्छा कोच है ना, उसको एक क्वालिटी कोच ही चाहिए. और आप इसकी इसकी मैनिफेस्टेशन देखेंगे बिल्कुल अनरिलेटेड टू नॉलेज या अनरिलेटेड टू लिटरेरी वर्क्स. आप देखें, आप किसी जिम जाएं, उसका जो इंस्ट्रक्टर होगा, आप उससे जाके पूछें, उसका गम यह है कि यार मेरे पास कोई बिल्डर बनने नहीं आता, सही मेरे पास आ जाते हैं बाइसेप्स बनाने, विंग्स बनाने, चेस्ट बनाने, थाइस बनाने, कोई बिल्डर बंदे नहीं आता मेरे पास. और उसको यही गम खाया जा रहा है उसका दिल. सही और कोई उसको मिल जाए ना ऐसा, आप देखें उसकी खुशी देखें कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो उसको बिल्डर, सही वो उसको थोड़े दिनों में फीस भी छोड़ देता है कि भाई आप बस आते रहो सही यार, तुम छोड़ो नहीं, तुम छोड़े नहीं, तुमसे मेरा दिल लगता है, मेरा काम लगता है. तो सवाल ये यही है बात आप कि अपनी जो एम्प्लॉयमेंट में भी कह रहे थे कि सॉरी सेठ ढूंढ रहा है, कि अभी आप एम्प्लॉयमेंट में हाँ भी शुरू में कह रहे थे कि सेठ ढूंढ रहा है कि मुझे बंदा मिल जाए, और हाँ ऐसा ही सही बिल्कुल ऐसे है कि कोच भी यही ढूंढ रहा है कि मुझे एक ऐसा कोच ही मिले जो कुछ 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 फीट, कुछ कदम तो मेरे साथ आंख बंद करके चले ना. मुझे पता है ना तुम्हें कैसे चलाना है, तुम वो जरा थोड़ा सा नम तो हो ट्रस्ट करो ना मुझ पे. हाँ, जरा नम हो तो मट्टी,
बड़ी जरखेज है साखी। तो अब ये थोड़ा सा तो ट्रस्ट करना पड़ता है। अच्छा आपने ये कहा कि कितने लोगों पे ट्रस्ट बांटे हम, कितने लोगों की जिंदगी हवाले करें, तो देखें शेख या सुलूक के रास्ते में भी ना बड़ा एक मिसकंसेप्शन है और लोग उससे डरते हैं, इसी वजह से शेख के करीब भी नहीं जाते। मतलब शेख वो एक बड़ा बड़ी बड़ी मिथ ये है कि यार शेख की नाफरमानी से जो गुनाह मिलता है ना वो तो ऐसा है कि अनफॉर्गिवेबल है, जबकि या शेख का कोई हुक्म नहीं टाल सकते, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि भाई अल्लाह का भी कोई हुक्म नहीं टाल सकते यार, आपके पास कोई लिबर्टी नहीं है। लेकिन वो ऐसा एक हाइप अप हो गया, ऐसा मिथ बन गया, ऐसा मिस्टिफाई हो गया है। कोच के साथ भी आपको या किसी के हवाले जिंदगी करने वाली बात जो है वो ऐसी नहीं है सच। ये जरूर है कि एक शख्स में ये कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए सही कि वो लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हो। सही, जो शख्स लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता उसके अंदर आप डेवलपमेंट या तो होते भी नहीं देखेंगे या उसका रेट इतना स्लो होगा कि वो स्टैटिक ही नजर आएगा। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी उसको देख के कहेगा नहीं नहीं ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट ओवर दीज इयर्स एंड मंथ्स, लेकिन वो इतना स्लो प्रोग्रेस होगी कि आदमी को वो दैट्स नॉट मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर सकता। विदाउट प्लेसिंग योर ट्रस्ट इन अदर पीपल आप ग्रो नहीं कर सकते, आप उनसे एडवाइस बाय नहीं कर सकते, आप उनकी एडवाइस पे अमल नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट कैसे करना है ये भी सीखने का अमल है। इसको असातिज़ा सिखाएंगे, पेरेंट्स सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे कि ट्रस्ट कैसे करना है। मैं अक्सर लोगों को अपनी क्लासेस में, कभी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैं फुल टाइम नहीं पढ़ा पाता हूँ, जब जाता हूँ तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, देखें आपने किसी पर ट्रस्ट करने के लिए दो से तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले वो अल्लाह से डरने वाला हो। सही, अगर वो अल्लाह से नहीं डरता, आपसे तकवे वाला आदमी नहीं है, तो उसकी एडवाइस या उसका उसके उसको अपने आप हवाले कर देना बहुत रिस्की काम। तो आपको थोड़े दिन उसके वक्त गुजारना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वो अल्लाह से डरता भी है कि नहीं। नंबर दो, जिस मसले में आप उससे एडवाइस लेने जा रहे हैं ना, उस मसले में उसको कोई खातिर खान नॉलेज हो। आप एक ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जिसने सिर्फ किताबों में जिंदगी गुजारी है, आप समझते हैं बहुत नॉलेजेबल है, इससे मैं कुछ बिजनेस के बारे में पूछ लेता हूँ, यू आर डूम्ड। आपको वहां से बहुत बहुत मुश्किल है कुछ मिल जाए, क्योंकि आप एक गलत एडवाइजर के पास चले गए। वो तो अपनी जगह सही है, उसका डोमेन ऑफ नॉलेज सही है, लेकिन आप जो बिजनेस करने के लिए या ट्रेड करने के लिए बाहर जा रहे हैं मशवरा लेने के लिए, उसका वो डोमेन नहीं, तो दूसरी बात यह। तीसरा ये, उसको आपकी रूह में आपकी जिंदगी में कुछ इंटरेस्ट हो। सही, वो आपसे मोहब्बत इस दर्जे की करता हो कि आपके एग्जिस्टेंस से उसको कोई उनसियत हो, क्योंकि ये म्यूचुअल होगा। आपका तो अपना इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कोच आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा किसी वजह से ना, आप थोड़े दिन ट्राई करें और नहीं बन पाई बात तो छोड़ दें, दूसरे को पकड़ें। ये आमतौर पर नहीं होगा, सच्चा मुरीद सच्चा पीर सच्चे मुरीद को छोड़ता नहीं है कभी, ठीक है, वो पीछे पकड़ा था। हमें भी कुछ लोग हैं अल्लाह ने ऐसे शानदार लोग दिए हैं, वो फोन कर करके खैरियत पूछते हैं, हमारी नालायकी का मुझसे जो है ना वो टच में नहीं रहते, वो हमें पूछ के डांटते भी हैं, फोन भी करते हैं, कहाँ हैं आप आ नहीं रहे, आप मुलाकात करें बात करें। तो जो अच्छा उस्ताद होता है वो तो अपने साथ, अभी आपका इंटरव्यू मैंने देखा माशाल्लाह नदीम शाह साहब का, तबीयत खुश हो गई मेरी, मैं कभी उनसे पहले मिला नहीं, मैंने उनसे कभी क्लास नहीं ली, और मैं आपको बताऊँ इतने इंगेजिंग शख्सियत उनकी माशाल्लाह, आई वाज सो उन्होंने मुझे अगले दिन अपनी क्लास में भी ना जूम पे जो क्लास ले रहे थे ना उस पे इनवाइट किया था, पूरे एक घंटा उन्होंने एडजस्टमेंट्स पढ़ाई, वो बचपन याद है माशाल्लाह। इतना हार्टफिल्ड सेशन था, आप यकीन करें मैं बीच में उनका लिंक कॉपी करके शेयर नहीं कर पा रहा था लोगों से, कि मैं आई डिडंट वांट टू मिस अ मिनट अ सेकंड। तो आपके बीच में ड्रॉप हुआ ना सेशन, तो मैं गया उनका लिंक कॉपी करके मैं लोगों से शेयर किया कि भाई लिसन टू दिस गाय, इतने एंगेजिंग। क्यों? क्योंकि वो टीचर जो है ना वो बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उसके दिल से जुड़ा हुआ है। और ऐसा आदमी आपको, आप कहें कि सर नदीम शाह साहब को आप टाइम नहीं देंगे या आपको वो एडवाइस नहीं करेंगे, आप उनसे सही एडवाइस लेने जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी, बन जाएगी। मैं आपको एक और यहाँ पे बहुत ही अहम बात बता दूं, एक बहुत अहम कॉल है वासिफ अली वासिफ का, आई वंडर कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए किसी तरह से, एक एक इंसान इससे फायदा उठाए। वो कहते हैं, ये लिखने वाले ही है वैसे, खुश नसीब इंसान जिंदगी की तारीकियों का सफर नसीहत के चिराग की रोशनी में तय कर लेता है। खुश नसीब इंसान जिंदगी की तारीकियों का सफर नसीहत के चिराग की रोशनी में तय कर लेता है। जो एडवाइस है ये आपकी जिंदगी को खुश नसीबी में कन्वर्ट कर देती है। जो अदरवाइज एक्सपीरियंसेस आप चोटे खा के, हमारे बकौल उस्ताद के तो छोटे खा के हम सीखते हैं, वो आपको किसी की एडवाइस से हंड्रेड्स ऑफ इयर्स आगे बढ़ा देगा।
जो आप अपनी लाइफ टाइम अचीव नहीं कर सकते, अपनी 10 लाइफ टाइम्स में अचीव नहीं कर सकते, वो आप एक एडवाइस से कर सकते हैं। इसलिए अच्छे एडवाइजर्स कलेक्ट करें, कोशिश करें, जान लगाएं, ये अपनी ग्रेजुएशन का पार्ट बनाए। सही। अच्छा फैजान भाई, मुझे आपकी बात से भी जो ट्रस्ट वाली आपने बात की थी ना, वो एक शेर याद आ गया था कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। और जो आपने दूसरी वाली बात कही कि एक एक अच्छा कोच खुद ढूंढ रहा होता है, तो जिन्हों जो मेरी डेवलपमेंट कर रहे हैं एज अ कोच, हमारे जो जो मेरे कोच भी और मेरी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो एक उन्होंने उन्होंने उनके रेफरेंस से ही उन्होंने एक कोच ही मुझे रेफर किया था। तो मैंने जाके फर्स्ट जो सेशन होता है आइस ब्रेकिंग, वो सेशन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे और, अच्छा उनके उनका उनका इशू आ गया, बट वो और उस वक्त फिर ऐसा हुआ कि 3-4 कोचीज आ गए ना। अब उसमें जो जिनका इशू सबसे इररिलेवेंट था और कोई बहुत पर्सनल पर्सनल लेवल पे था, लेकिन कोई उसमें डेवलपमेंट की साइड इतनी ज़्यादा नहीं थी ना उस बंदे की ना उम्मत की, तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि देखो इफ़ यू हैव अ टाइम गो एंड ऑप्ट दैट कोचिंग, और अगर तुम और इस वक्त देखो कि इन 5 में कौन ऐसा है जिसमें जिसका इम्पैक्ट दुनिया और आखिरत में मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो जिसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होकर आएगा ना दुनिया और आखिरत में, तो तुम उसको उसको चूज कर लो और इनसे तुम माजरत कर लो, वेदर ही इज पेइंग यू डबल और ट्रिपल अमाउंट। तो वहाँ मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई में एक, और वो खुद भी ऐसा करते हैं जो हमारे कोच है कि उनके पास द कोचिंग इज नॉट अबाउट मनी, सही ना, ही कैन चार्ज मच मोर एंड ही इज नॉट इवन ही इज नॉट चार्जिंग फ्रॉम सम पीपल, लेकिन उनको नजर आता है कि यार ये एक अगेन इसमें एक पोटेंशियल है, तो वो अपनी पूरी जान उस पर जो है ना वो लगा देते हैं। तो अच्छा फैजान भाई ये बताएं कि आपका वैसे तो प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें अच्छी खासी मसरूफियत आपकी होती होगी, लेकिन अगर बच्चे खासतौर पर बच्चे जैसे शाह साहब का जो सेशन था, ऐसे ऐसे कुछ और टीचर्स को भी मैं इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा जो बहुत बच्चों में घुल के जान लगाते हैं, तो अगर कोई बच्चा एडवाइस लेना चाहे तो कोई क्या फेसबुक पे आपको मैसेज कर दे या आप पर्सनल नंबर शेयर करने में कंफर्टेबल है, लेकिन अगेन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उस पर वो हो जाए, तो इसका कोई एक एक मैकेनिज्म अगर हमें बता दें, भले वो आपसे लॉन्ग टर्म में ना ले, इनिशियली वो देखना चाहिए, इनिशियली एक फ्लेवर उससे मिल जाए। जी सर। देखें मैंने मुझे एक दफ़ा हमारे जो कोच है ना उन्होंने बुलाया और कहा फैजान साहब आपने कोचिंग का नाम सुना है। मैंने कहा जी सुना है। कह रहे क्या राय आपकी इसके बारे में। मैंने कहा ये दर्द दिल वाला काम है, जिसका दर्द दिल है, जिसको लग गया रोग, जिसको रोग लगा है ना वो करेगा, उसके पास कोई चारा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं ना करने का। लोग कहते हैं यार फैजान भाई आपको इतना शुक्रिया, आप इतने अच्छे हैं, कहते हो भाई तुम्हें क्या पता आगे मेरी मजबूरी है करना ये मतलब मछली पानी में ही सुकून से रहेगी, तो मेरी तो मजबूरी है। आई नेवर यूज टू चार्ज इट बिफोर बट बिकॉज आई वॉज सो कंज्यूम्ड एंड एनगल्फ्ड इन फोर्सिंग पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स दैट आई डिड नॉट नो कि आई हैड टू पिक द राइट वंस। जैसे आपने भी आपने कहा कि आपको उनको चुनना है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं। और मैं लिटरली आप भी इस बात को एक्सपीरियंस करते होंगे कि इंसान का जो पैशन होता है वो उसमें उसको ना जमान और मकान से आज़ाद कर देता है। जो आदमी का शौक होता है ना उसमें वो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे बगैर भूख के बगैर खाने के बगैर पानी के बगैर रिवॉर्ड के लगा रहता है, झुका रहता है, उसको उसका गम नहीं होता। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कोच की, वो साहब भी ऐसे ही हैं और उनको भी रोग लगा हुआ है। वो भी जो है वो बस वो एक ऐसे स्नोबॉल इफेक्ट के लिए चेज कर रहे हैं लाइफ को कि जो स्नोबॉल इफेक्ट कयामत तक ले जाए, उनका उनके अमाल को बढ़ाता हुआ ले जाए। तो वो हम लोग तो उनके कहले पर के नहीं, हम तो बहुत चूंटी हैं और पहाड़ हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम भी कोशिश करते हैं भाई कि हमसे जो भी रब्ता करेगा उसको हम टाइम देंगे। हम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जितने भी बिजी हैं मसरूफ हैं हम उसको टाइम देंगे, हम उसको सुनेंगे। कोचिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं जिनमें से एक सबसे बुनियादी फंक्शन सुनना है कि आप सुने उसको अपने कंधे दें कि अजय बेटा तेरे दिल में कोई दर्द है, कोई कोई गम है, कोई कील ठुकी हुई है दिल में 10 साल से 15 साल से 20 साल से, आप भाई मेरे कंधे पर सर रख के रो दे और निकाल ले वो कील, मैं निकालने में हेल्प करता हूँ। ये हमारा बुनियादी काम है। उसके बाद मेरे पास कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को मैंने अपने लर्निंग से सीखा, तजुर्बे से सीखा, अपनी गलतियों से, एम्बेरसमेंट से, मिस्टेक्स ब्लंडर से सीखा,
जिसको हमारे उस्ताद ने चोट चोटे खा करके सीखा। अगर आप चाहते हैं हम, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि अब वो खाई में जा रहा है तो क्या जाने दें खाई में गिरने के लिए? भाई नहीं जाने दे सकते, पकड़ते हैं रोकते हैं उसको, फिर उसको खाई में गिरते कभी कभी देखते नहीं क्योंकि वो नहीं सुनता हमारी, कभी कभी हम खुद खाई में गिर जाते हैं। तो इन सब की लर्निंग का मुरब्बा बना के, एक 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 मलगूबा बना के हम उसको कोचिंग में एज टूल्स इस्तेमाल करते हैं लोगों के साथ, देखो तुम ये ना करो ये करो। अच्छा उसमें यकीनन ये जरूर है कि जो बच्चे भी चेस करना, जो हमसे एंगेज होना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो फीस का सोच के ना बैठे मत रहे घर में। सही, कह दें आके मैं नहीं दे सकता। सही, मैं कह दें आके नहीं दे सकता, लेकिन आए एंगेज करें, लेट इट बी ऑन द कोच हु डिड नॉट कोच यू फॉर मनी। सही भाई, वहां तक तो जाए ना, आई एम श्योर कोई कोच ऐसे मना नहीं करता। सही, मैंने बहुत मटेरियल लोग भी देखे जो बहरहाल मना नहीं करते, जो कि बहरहाल रोक तो उनको भी लगा हुआ है ना, तो वो काम तो करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो दे विल ट्राई टू फिगर आउट सम वे एंड सम मॉडल एंड हेल्प यू इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आप मेरे पास आते हैं, आए बिस्मिल्लाह, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उतना एडवाइस कर सकूं कि आपकी गाड़ी चल जाए, स्टार्ट हो जाए, बीच सड़क पे गाड़ी किसी की बंद खड़ी हो उस वक्त उसको स्टार्ट होकर मैकेनिक के पास पहुंचना होता है या घर पहुंचना होता है, हम कोशिश करेंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर वहां तक पहुंच जाए, मिनिमम जितना हमारे पास वसाइल है, वक्त है, जितना भी है वो हम करेंगे। कोई इस पर पाबंदी नहीं है कि कितने मैसेजेस कितनी कॉल्स, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। यू कैन ऑब्वियसली एंगेज अस, कॉन्टैक्ट अस थ्रू फेसबुक, थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उस सूरत में आपको मैं जितना जल्दी रिस्पांस दे दूँ, या आपकी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कब फ्री हुआ कब आपको रिस्पांस दिया, बट यू हैव टू टेक दिस थिंग सीरियसली। इफ नॉट फजान, बीट उमर, बीट समवन एल्स, इट्स योर लाइफ, यू कैन नॉट रिस्क इट। क्या पता नहीं ये काम करती है चीज़ नहीं करती है, इट इज वर्थ टेकिंग द चांस एंड गोइंग फॉर कोच। सही, अच्छा मैं उसमें एक दो बातें ऐड करता हूँ। एक तो ये मनी फैक्टर जो है ना, ये तो इसका जो पोनी है, अच्छा अब वो पोनी ये वाली आवाम सारी नहीं जानती, बस ये जो मिसकंसेप्शन है, तो मेरी अर्ली डेवलपमेंट एज अ, जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया था सीख रहा था चीज़ों को, तो वो स्कूल ऑफ लीडरशिप से भी रही, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो है ना वो जो शीपा है हमारी शीरी नकवी, वो कहती है कि भाई कोई बच्चा आ जाए ना, वो कहे मेरे पास पैसे नहीं है, कहती है भाई वो रही बकेट बाल्टी है कपड़ा है, जाओ उठाओ बाहर बाहर गाड़ियाँ दो, सही ना, लेकिन ये ना ये मांगने वाला हाथ नहीं बना। और उन्होंने हमारी अर्ली ट्रेनिंग जो हुई थी, ट्रेन द यंग ट्रेनर, तो उसमें एक दिन ऐसा ही हुआ था कि वो उन्होंने कहा देयर इज नो लंच, बाहर जाओ, अपने पैसे यूज नहीं करने, किसी रिश्तेदार से नहीं मंगवाने, एटीएम कार्ड यूज नहीं करना, गो यू हैव वन आवर, बर्तन धोने होटल में, बर्तन धो, गाड़ी धोनी है गाड़ी धो, पैसे जमा करो और पहुंच जाओ बोर्ड बेसन, और जो है ना वो अपने लंच के लिए। और हम 12-14 लोग थे, हम गए और हमने 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए थे। तो उस दिन फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला देखो ये तो सिर्फ एक लंच था, तो अगर अगर वाकई में तुम्हारे लिए कोई चीज़ वर्दी है तो तुम उसके लिए फिर, यानी लेट सपोज कि तुम अपनी फैमिली को आगे लेके आना चाहते हो फाइनेंशियली, या घर में कोई मसला है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट। तो ये तो ये फैक्टर मुझे नजर आता है। अच्छा दूसरी साइड पे लोग ऐसा कहते ही नहीं है कि कोच को आपके चंद 1000 रुपए की या चंद पैसों की जरूरत है, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई कोच आपकी फ्री में कोचिंग कर दे उससे ज्यादा बेहतर है कि वो आपको इस मॉडल पे ले। वंस वो इस मॉडल पे ले आए, अच्छा इस बात को, ये बात तो हो गई थी 2012 में शीरी नकवी के साथ, 2018 में मेरी उनसे दोबारा मीटिंग हुई, तो हम एक प्रोजेक्ट चला रहे थे, मैं अपनी वाइफ के साथ उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि भाई हम तो काम कर रहे हैं और हम बड़ा फ्री में काम कर रहे हैं लोगों के लिए ना, बच्चों को हम फ्री में काउंसिल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वो इंसिडेंट याद है? मैंने बोला जी। उन्होंने बोला हमने तुम्हें वो इसलिए नहीं बोला था कि हमें तुमसे पैसे चाहिए थे, वो हमने तुम्हें इसलिए सिखाया था ताकि तुम लोगों को ये सिखाओ कि यार वो जो है ना अपने पैरों पर खड़े हो, ये थोड़ी कि तुमने बोला कि भाई मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा लेकिन दूसरों को जो है ना मैं वो ऐसा बना दूंगा। तो ये तो अच्छा, मैं भी फ्री लंचेस के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एंगल ये भी देखता हूँ कि देखें कुछ लोग हमारे जो है ना वो बेचारे हमारे साथी दोस्त, हमारे भाई छोटे यंगर ब्रदर्स, वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि दे आर अनएबल टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दे आर इन। यस, जिसमें से फाइनेंशियल मसला एक मसला होता है, वो मल्टीपल मसलों में फंसे होते हैं।
तो वो जब तक हम उनको ब्रीदिंग स्पेस दे ना, उस वक्त तक तो हम मिसाल के तौर पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं किसी तरह से, सही, ठीक, कि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, थोड़ा सा कोई एक आध गिरा खोलने में आपकी हेल्प कर देंगे हम। ऑब्वियसली सही, उसके बाद इतना फ्लक्स होता है कभी कभी कि आप लोगों को अटेंड ही नहीं कर सकते वैसे ही, दे नो कि भाई इफ दे डोंट पे दे डोंट गेट द चांस। तो ये वो हमारी प्रेफरेंस भी नहीं होती, हमारी टाइम, हमारी प्रायोरिटी हमारे बस में नहीं होता सेट करना। सही, लेकिन ये जरूर है, क्योंकि बहरहाल एक बंदा पे करने को तैयार खड़ा है और एक बंदा पे करने को तैयार नहीं है, तो मतलब हु हैज मोर सीरियसनेस कन्वेड, जिसकी ज्यादा सीरियसनेस है हम तो उसी को अटेंड करेंगे, जाहिर है। तो ये बात तो एक है, लेकिन ये जरूर है कि हमें हालात के हिसाब से, जैसे आप भी माशाल्लाह बेहतर जानते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो इतने मल्टी लेयर्ड इशूज में फंसे होते हैं, दलदल में, कि फाइनेंशियल मसला तो एक होता है सिर्फ, उनको बहुत सारे मसलों से छुड़ाना होता है। कभी किसी सही को मैं मतलब देयर सो मेनी केसेस कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी ना एग्जेम्पशन किसी ना किसी को देनी पड़ती है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लूँ अपनी बात को ना। असल में जैसे हमारे कोच कहते हैं ना, देयर एवरी वन हैज अ टाइम बट देयर इज अ प्राइस इन टैग विद दैट ना। तो वो महातीर महातीर मोहम्मद की भी स्टोरी सुनाते हैं। वो जो दुबई में एक लड़का गया महातीर मोहम्मद से मिलने, तो महातीर मोहम्मद ने उन्हें टाइम दे दिया अगले दिन 20 मिनट, और 20 मिनट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और महातीर मोहम्मद ने फिर उन्हें चंद किताबें पढ़ने का कहा, और कहा कि अगर ये किताबें नहीं पढ़ी इस ड्यूरेशन में, महीना या 2 महीने में, तो नेवर कॉल मी अगेन। तो मैं ये कहना चाहता था प्राइस होती है। अच्छा, एक एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेता हूँ। आपका आपकी इसमें राय क्या है? और यानी जो कोच है, क्या बिल्कुल रफ एंड टफ कोच होना चाहिए, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का कोच हो जो लोगों ने स्पोर्ट मूवीज में देखा हो, या स्पोर्ट्स के जो ऐसे टफ कोचेस गुजरे हैं उनके बारे में पढ़ा हो या सुना हो? अच्छा, ऐसा होना चाहिए कोच को, या बिल्कुल ही लीनियंट होना चाहिए कि यार चलो आज नहीं आया तो 10 दिन बाद आ जाइए? अच्छा, एक तो ये चीज थी, ठीक है ना। अच्छा, और मैं समझता हूँ, ये तो आपसे सवाल है, और मेरी राय ये है इस मामले में कि वो जो मैं प्राइस कलर्स कह रहा हूँ, वो दैट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ बिल्कुल सही है, डोंट जस्ट मानी, कोई ना कोई उसके साथ आउटकम, कोई रिजल्ट, होमवर्क दें उसको। हाँ बिल्कुल सही है, तुम किताब तो पढ़ कर आओ, या तुम्हारी कुछ विल तो हो, ऐसा यानी कहीं तो फिल्टर लगेगा ना कि यार इज ही बिल्कुल विलिंग, और आई एम वेस्टिंग माय टाइम। तो अच्छा, बिल्कुल, टोटली टोटली और एग्री। ये तो एक बात हो गई। और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टफ है, क्योंकि टफ जो कोच होगा वो तो रिजल्ट, उसके लिए रिजल्ट लाना इट्स क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू वो कोच तो जो के वो, अच्छा ये मेरा, मैं चूंकि इसको एज अ कोच भुगत रहा हूँ, रीजन है कि मेरे पास जो कोची आते हैं कुछ तो जो एज में मुझसे कम है, तो उनको तो संभालना आसान होता है। लेकिन कुछ बिजनेस के जो क्लाइंट्स हैं ना, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, अब उनको बहुत बहुत जो है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा, यानी जो बात मुझे उनसे आज कहनी है ना, तो वो मैं उनको जरा प्रोलॉन्ग करके 5 दिन बाद बहुत दूसरे एंगल से घुमा कर आके उनके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे होता क्या है कि अल्टीमेटली जो प्रोग्रेस मैं उनके लिए प्लान कर रहा होता हूँ, यार 1 महीने में आनी चाहिए, वो ढाई से मतलब 3 महीने लग जाते हैं उस काम में। तो ये इसमें मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा कि क्या किस साइड पे होना चाहिए कोच को सर। देखें, एक तो इसका है आउटपुट और पोर्टफोलियो और ट्रैक रिकॉर्ड और मेट्रिक सिस्टम ना, कि आप कैसे मेजर करेंगे अपनी सक्सेस को एज अ कोच, सही और एक है इसका उखरवी एंगल। तो जो सही है, उखरवी एंगल है कि आपने ये सारा काम अगर सिर्फ इसलिए करना है कि यू वांट टू बिल्ड अप अ प्रोफाइल एंड बिकम अ फिगर इन दिस प्रोफेशन, तो फिर तो सही सही है, आप टफ चलें, आप कहें भाई यू नॉट वर्दी, करना है तो करें, नहीं करना है तो छोड़ें, आप जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही, और छोड़ दें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लेकिन बहरहाल टफनेस समहाउ समटाइम्स डज नॉट पे, तो सही ये जरूरी है कि आपको एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। टफनेस किसी भी तरह से इंसान को, क्योंकि आप बिजनेस कोचिंग करें चाहे पर्सनल इंडिविजुअल करें, वास्ता इंसान से पड़ता है। सही इंसान सख्ती से नहीं बदलता, सही ये तजुर्बा मुशाहिदा है, किताबों में लिखा है, हम सब देखते हैं। सख्ती से इंसान नहीं बदलता, सख्ती से इंसान तेवर बदल सकता है लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदल सकता। है। आपने उनको आपकी अगर आपकी किसी शख्स पेशेंस की बुक है कोई, लिख लें यार। लिख लें ये भी, हाँ अरे बड़ों की बातें हम तो उनको कॉपी करते हैं ना। तो इंसान अगर मिसाल के तौर पे आप किसी को सख्ती, सख्ती किसको करनी है, लेकिन एक एक सहाबी आए आप सुन के पास और उन्होंने आके कहा मेरा बेटा बहुत बदतमीज है, ये मुझे माल नहीं देता, ये मुझे पैसा नहीं देता, खर्च नहीं देता, तो आप सल्लम ने उनके बेटे के साथ क्या किया, गिरेवान से पकड़ लिया उसको।
कि तुम क्या करते हो, तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप का है। अब ये आसलम का असलूब तो नहीं है, आसलम तो रहमत के पैकर हैं, हर एक पर रहीम है, शफीक है। लेकिन ये जो ये एक इंसिडेंट हुआ, ये आसलम ने कैसे किया है? उन सहाबी से, उनके बेटे से लामहला आसलम से इतना जबरदस्त बॉन्ड होगा कि आसलम वहां सख्ती एक्सरसाइज कर सकते। सही। अनलेस यू हैव दैट बॉन्ड and unless you have that leverage of, over the other person that if you get disturbed he will be disturbed because you are disturbed, aap us pe sakhti nahi kar sakte, chahe wo ek bachcha ho, aapka apna bachcha ho, aapka bhai ho, dost ho, behno, aap sakhti nahi kar sakte, nobody will bother, nobody will listen even if it is in their interest. Sahi. ye coach ka kya interest hai, aap na homework pura kare, assignment pura kare, aur aap nahi kar rahe to coach ko, coach ki tapne wali kya baat hai? Acha, keep coming, keep paying for no progress. मतलब दिस इज एन इजी थिंग फॉर अस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या परेशान करती चीज कि भाई वी शुड जस्टिफाई आर इनकम एंड वी शुड जस्टिफाई आर चार्जेस। दूसरा, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग फॉर आर टाइम विद पीपल हु आर नॉट विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स। तो हमें प्रोडक्टिव लोग चाहिए, प्रोग्रेस वाले लोग चाहिए। कुछ लोगों की प्रोग्रेस स्लो होती है, कुछ लोगों की तेज होती है। आप ऑटोमेटिकली जब ऐसे स्लो लैगर्ड्स को देखते हैं ना कि जो आसानी से आपके प्लान के मुताबिक प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तो उसका तरीका एक बेहतर ये होता है, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कोचिंग में। अकाउंटेबिलिटी वाला लीडर जो है ना, वो बताता है कि देखो तुम्हारे रिजल्ट अचीव करने की ना सूरत, अचीव ना करने की सूरत में क्या होने जा रहा है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे और उसका नतीजा तुम्हारे साथ क्या होगा, ये उसको प्रीएम्प्ट करके पहले से बताना पड़ता है। और जब वहां पहुंचे तो उसको ऑप्शन दें, देखो जी मैंने तुम्हें बताया था यू विल बी हियर इफ यू डोंट वर्क, अब बताओ क्या करना चाहिए। तो एक दो शर्मिंदगी का मौका जरूर दें, ये भी एक बहुत ड्राइविंग बहुत बड़ी और इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स होती है इन गेटिंग पीपल डू समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन ये सख्ती करना कि भाई इफ यू डोंट, देखें एक तो होता है ब्रांड, टोनी रॉबिन्स के पास अगर आप जाएंगे और दूसरी मीटिंग में, या माती मोहम्मद के पास जाएंगे दूसरी मीटिंग में, आप उसका होमवर्क करके ना जाएं, वो तो गेट से अंदर नहीं आने देगा ना आपको। तो एक होता है ब्रांड, के कोच का ब्रांड इतना बड़ा है, इतनी पावर है उसकी, वो कहता है कि भाई सॉरी यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है नॉन सीरियस लोगों के लिए, तो उसके पास तो जाएगा ही मेरे जैसा आप जैसा सरफराज में, पिटने ही जा रहे हैं, मारी खाएंगे जाके। तो ऐसे अगर हैं तो फिर तो आ जाए, सख्ती करें। लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग जो अभी जिस एम्बिट में, जिस माहौल में काम कर रहे हैं, वहाँ सख्ती विल नॉट बी एज मच अप्रिशिएटेड आई गेस। सही सर, जज़ाकअल्लाह। एक तो मैं समझता हूँ कि किसी ऐसी फील्ड पे या ऐसे टॉपिक पे बात करना जो कि अभी आवाम के लिए नया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोचिंग सेंटर से मुराद वो ट्यूशन सेंटर है ना पाकिस्तान में, इंडिया कभी कभी मैं सोचता हूँ कोई वीडियो बनाऊं कि यार ये आवाम को पता तो चले कि रियल में कोचिंग होती क्या है। तो ऐसे टॉपिक पे बात करना, माशाल्लाह आपने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो बताया। क्या नंबर अभी हम स्क्रीन पे शो करते हैं या फिर इनबॉक्स में कोई? नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आए वो आपके रेफरेंस से आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वी विल हैव अ बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट सेट। इंशाल्लाह मैं ये भी चाहूंगा, उमर भाई, मतलब एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, आप मुझे जिन जिन कॉलेजेस कोचिंग में, कोचिंग सेंटर्स में या क्लासेस में, कहीं भी अगर मुझे इनवाइट करेंगे, इंशाल्लाह आई विल बी देयर लाइव इन पर्सन, या आप जैसे अभी तो इन पर्सन सब बंद है, तो इंशाल्लाह वी कैन ज्वाइन ऑन जूम, वी कैन हैव टॉपिक्स एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट सेट, एजेंडा सेट, एंड देन आई कैन हैव सम कन्वर्सेशंस अलोंग विद यू अलोंग योर साइड इंशाल्लाह। हमारा काम यही है कि हमने कॉर्पोरेट्स और प्रोफेशनल्स में से ना आप जैसे लोगों को चुन चुन के जो ना वो बच्चों का और आपके दरमियान जो गैप है ना उसको कंप्लीट करना। सर मैं चाहूंगा आप नंबर मुझे एक दफा रिमाइंड करवा दें ताकि मैं लिख लूं। 03-21-0321-2196-2196-1116-1116 यही है जनाब, बिल्कुल यही है। ठीक है सर, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वैसे तो ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ बड़े अच्छे सेशन हुए जिसमें आपका भी वन ऑफ द बेस्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना वो हम लोग इस सिलसिले को जारी रखें, भले आपकी मसरूफियत है और अभी कोविड या लॉकडाउन को लेकर तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि अब लत तो आपको भी लग गई है कोचिंग वाली, तो यहाँ पे एक आसान तरीका है ऐसे बच्चों तक पहुँचना जो कि शायद दूसरे तरीके से फिजिकली आप तक ना पहुँच पाए,
तो हम इसको अगर जारी रखें, भले फ्रीक्वेंसी आपके एंड पर है कि वो वीकली हो, 15 दिन हो, या ऐसा छोटा सा सेशन, और उसको हम पहले से कोई टॉपिक, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा स्पेसिफिक हम किसी टॉपिक को लेकर, और लाइव में लाइव कॉलर्स को भी ले लें, या लाइव में जो भी आना चाहें, तो आप इसमें इंशाल्लाह हमें वक्त देंगे दोबारा। एच ओ सर्विस सर। सही, जजाकअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।